केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 20,027 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चंडीगढ़ से गुरुग्राम एयरपोर्ट तक 227 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में तय होगा। 8,650 करोड़ की लागत से बनने वाले कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद कस्बे के नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग ई कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ। सीएम ने बताया कि हरियाणा में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है। हरियाणा के 22 जिलों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। चावल के भूसे से एथेनॉल बनाने पर काम शुरू करेंगे। बाडरा विधायक नारायण चौटाला ने दावा किया है कि 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का फैसला लिया जा चुका है। विधानसभा की मोहर लगते ही प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने वॉलंटियर्स की महामारी के दौरान किए गए काम को देखते हुए अगले 4 साल में हर गांव में यूथ क्लब खोलने का फैसला किया है ताकि सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जा सके। दिल्ली से सटे एनसीआर के 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने पर विचार हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने ये संकेत दिए। अनिल विज ने कहा है दिल्ली से सटे 4 जिलों में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश के 80% कोरोना के केस इन 4 जिलों में है। इसी को देखते हुए जिले में कर्फ्यू लगाने उसको सील करने पर विचार चल रहा है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9,07,645 हो गया है। 3,11,422 मरीजों का चल रहा है इलाज। 23,727 मरीजों के कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय अनुमंडल ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हरियाणा में एक दिन में 699 कोरोना के नए संक्रमित केस मिले हैं। प्रदेश में 22,628 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 312 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई है। 5,226 कोरोना के मरीजों का इलाज जारी। गुड़गांव में 160 कोरोना के मामले आए सामने। 124 ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। शहर में कोरोना के कुल मामले 7,126 हैं जबकि 5,932 लोग रिकवर हुए। अंबाला में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। एक बार फिर से 146 कोरोना के केस मिले हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 253 है। कपड़ा मार्केट में कैंप लगाकर सैंपल लिए जाएंगे। करनाल में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं। इसके बाद जिले में एक्टिव कोरोना के केस की संख्या 161 हो गई है। 377 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल केस अभी तक 646 सामने आए। नूह में कोरोना ने 6 दिन के नवजात की जान ले ली है। नवजात बच्ची ने राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में कोरोना से दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 तक पहुंच गया। सिरसा में निरंतर बढ़ रहे कोरोना के मामले के चलते व्यापार मंडल ने बैठक करके यह फैसला लिया है कि रविवार को सिरसा के सभी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। किसान 20 जुलाई को सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं। गोहाना पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। गोहाना में पीटीआई टीचर्स ने नौकरी की बहाली की मांग को लेकर थाली बजाते हुए रोष मार्च निकाला। बीजेपी जेजेपी कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र दिया। चेतावनी दी की मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वोट की चोट देंगे। रतलाम में नगर निगम प्रशासन ने शिकायत के आधार पर सरकारी नाले पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया। नाले को बनवाने के लिए मुख्यमंत्री ने लगभग 2.5 करोड़ की राशि मंजूर की हुई है लेकिन अवैध कब्जों की वजह से इसको बनाने में परेशानी हो रही। लुआरू में लगातार मंडरा रहे टिड्डी दलों ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कृषि विभाग के महानिदेशक उपायुक्त और एडीसी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। टिड्डी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का निरीक्षण किया। हुड्डा ने कहा है कि सरकार दवाई की बजाय पानी के छिड़काव से टिड्डियों को भगाना चाहती है। टिड्डी के हमले से किसानों को जो नुकसान हुआ है इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करे। सीजीएसटी के अधिकारियों पर व्यापारियों को तंग करने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरने के जरिए व्यापारियों ने साफ किया कि तंग करने पर व्यापारी बड़ा आंदोलन करें। नीलोखेड़ी के तरवाड़ी में राइस सेलर में महिला के साथ नशा देकर बंदूक की नोक पर गैंगरेप हुआ है। कई बड़े बड़े राइस मिलर्स और आढ़तियों का नाम इसमें सामने आया है। 8 व्यापारियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पंचकुला में यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई न होने से नागरिक अस्पताल का महिला स्टाफ गुस्से में है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्टाफ में धक्का मुक्की भी हुई। कुरुक्षेत्र के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्करों को 75 किलो चोरापूस्त और 5 किलो अफीम सहित काबू किया है। दोनों चीजों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है। गिरोह के सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर।
पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। यमुनानगर की चदन नदी में पानी पहुंचने से नदी उफान पर है। ऐसे में पानी गांव गंधापुरा में पटरी को तोड़कर फसलों में जा घुसा, इससे रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हो रहा है।